नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो परिणाम आए जिसे देख सब अचंभित रह गए। नगरपालिका निगम चेयरमनी का अगला महापौर कौन होगा, इस बारे में हमने आम नागरिक दुकानदारों से उनकी राय लेना चाहिए। आपके क्षेत्र का अगला महापौर कैसा होना चाहिए, बीता हुए महापौर के कार्यकाल कैसा रहा, वर्तमान में इस क्षेत्र में कैसा महापौर होना चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। हमने सभी लोगों से अपनी अपनी राय दी जिनके बारे में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। कोई कहता है कि इस क्षेत्र के लिए काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी एवं श्रमिक संघ के साथ काफी लंबे समय से कार्य कर रही बबीता सिंह को यह स्थान मिलना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कंचन जायसवाल जो कि विधायक जी की पत्नी है, उन्हें यह महापौर बनाने के क्षेत्र का विकास होगा। वहीं एक छोटे से चाय दुकानदार का कहना है कि गायत्री बिरहा जो पूर्व में नगर पालिका में रह चुकी हैं और उन्हें काम का अनुभव है, उसे महापौर बनना चाहिए। यहाँ का महापौर सुभाषिनी सिंह जैसा होना चाहिए। क्या वजह थी कि सुभाषिनी सिंह जैसे आप पसंद कर रहे हैं महापौर, तो कौन होना चाहिए? क्योंकि उनके जैसा कोई काम करने वाला अभी तक आए नहीं है। नहीं आया है? नहीं। मैं एक चिरमिरी कॉलोनी में 40 साल से रहा। चिरमिरी के हालात से आप परिचित हैं? चिरमिरी के हर जगह के हालात से मैं परिचित हूँ। जी जी। दूसरी बात, मैं कांग्रेस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता था। महापौर अपना जो कार्यकर्ता वरिष्ठ हो और जो पार्टी से पहले संलग्न रही हूँ और जो बहु अच्छे बहुमत से जीती हूँ, उन्हें ही मतलब बनाया जाना चाहिए। जैसे बबीता सिंह जी हैं। बबीता सिंह जी, जी हाँ। देखिए, महापौर तो उसको बनाना चाहिए जो जानकार है पूरी तरीके से, वहाँ के गाँव एरिया है, अपना कॉलरी एरिया है, और ऐसा महापौर होना चाहिए जो कि अपनी बातों को लेके चिरमिरी की जो समस्या है आज नौजवानों का, कोयला खदानों का, ये सब समस्या को लेके जो लड़ पाए, बोल पाए और रायपुर में इस बात को रख पाए, ऐसी एक दृष्टिकोण से हमारा तरीके से ये है कि मैंने एक बबीता सिंह मैडम को जानता हूँ जो कि हमारे इंटक में कई बार आए हैं, कई कार्यक्रम में वो भागीदारी भी थे और कई कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी भी है, उनकी आवाज़ भी बुलंद। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आईबीएन 9 न्यूज़ में।